हाउ मच होने पर? अभी आपको ये काउसन राउंड दिन में दिखाता हूँ, बिकॉज दिन में बहुत कम लोग दिखाते हैं, ज़्यादातर लोग रात में ही दिखाते हैं काउसन रोड काउसन रोड। अभी दिन में देखो एकदम शांत है, क्योंकि वही है 3-4 बजे तक पार्टी चलती है, फिर उसके बाद सब अपने अपने घर जाके सो जाते हैं। ये मेरे फ्रेंड है नवीन, ये ही इज़ फ्रॉम तमिलनाडु, तो ये मेरे को एयरपोर्ट पे मिले थे, तो अच्छे बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेलकम टू डी ब्लॉग। मेरा नाम है दीपक शर्मा और चैनल में आपका स्वागत है। अभी हूँ मैं थाईलैंड स्लम्बर पार्टी हॉस्टल में, तो बहुत ही अच्छा हॉस्टल है, इसके रिव्यू सुने थे। थोड़ा रूम्स मेरे को इतने नीट एंड क्लीन नहीं लगे, कल रात को मैं लेट पहुंचा था, तो इसलिए आपको उस वक्त पे अपडेट नहीं दे सका। 2 से 3 बज गए थे पहुंचते। बाकी ओवरऑल हॉस्टल अच्छा है, और मतलब अगर इसका कॉमन एरिया देखा जाए तो बहुत ही टाइडी है, नीट एंड क्लीन है, बहुत ही मतलब हैपनिंग प्लेस है, और साथ में पूल है और ओपनिंग एरिया है, अगर आप ओपन एरिया में बैठना चाहते हो वो भी है। और रूम्स इसके आई वुड सजेस्ट, अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें 10 रूम्स का भी डोमेट्रीज है, 4 का भी है, तो आप 4 का लीजिए। अगर आपको बहुत ओवर क्राउडेड से प्रॉब्लम नहीं है तो आप 10 का भी ले सकते हैं, बट मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, बिकॉज होता क्या है कि आपका सामान जो आप उस रूम में रह रहे हैं मोस्टली फॉरनर्स ही थे, तो किसी का सामान कहीं बिखरा पड़ा है, किसी का सामान कहीं बिखरा पड़ा है, तो पूरा जो वो एरिया रहता है हौज पौज रहते हैं, तो बेटर है 4 का लो, नीट एंड क्लीन रहेगा, कम लोग रहेंगे तो थोड़ा आपको साफ भी मिलेगा वो, राइट। तो बाकी इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर पॉकेट कि आपको कितना पे करना है, बिकॉज ऑब्वियसली रेट तो अलग अलग ही होंगे, राइट। तो अभी ये मैंने, आप देख रहे होंगे बैग इसलिए टांग रखा है, बिकॉज अभी यहाँ से निकल के मैं जा रहा हूँ मैड मंकी हॉस्टल। कल रात को मैंने जल्दी जल्दी में ये ले लिया था, बिकॉज मैड मंकी में फुल हो गया था, मेरी एडवांस बुकिंग थी इस नंबर में भी, तो मैंने कहा एक स्टे यहाँ करके देखते हैं, दोनों के रिव्यू अच्छे हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ मैड मंकी, वहाँ का भी आपको रिव्यू बताऊँगा। फिलहाल अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, तो जाते जाते मैंने सोचा आपको इसका एक इनसाइड व्यू करवा दूँ, कैसा है ये देखने में, अगर आप स्टे करना चाहें तो आप कर सकते हैं, राइट। और इसका उसका जो 4 बेड का है, उसका जो एक दिन का किराया है वो ऑलमोस्ट 390 baht है, राइट। और मेरे को जो 10 बेड का डोमेट्री रहता है उसका मेरे को पड़ा था ऑलमोस्ट 272। तो आप देख लीजिए आपको कहाँ पे सेविंग होता है। वैसे एक चीज़ ये भी होती है, इफ़ यू वांट टू सेव, तो अगर रात ही बितानी है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड है कि व्हाट यू थिंक, अपने पॉकेट के हिसाब से आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। बाकी ओवरऑल बहुत हैपनिंग प्लेस है, यहाँ से पार्टीज जाती हैं, पब क्रॉल्स जाते हैं, क्रबी आइलैंड बीच पे जाते हैं, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो एक बार आपको अंदर का व्यू करवा देता हूँ हॉस्टल का, ओके। तो फ्रेंड्स, ये है इनका कॉमन सिटिंग एरिया, ये है जहाँ पे शाम को पार्टी होती है, और ये है डीजे लगा हुआ है, इधर ही पार्टी करते हैं शाम को। पूल टेबल, दिस इज कैफे एरिया, और ये है इसका पूल, सो यू कैन एंजॉय पूल एज वेल। फ्रेंड्स, अभी हॉस्टल से निकल के आ गए हैं हम खालसान रोड पे, आपको हॉस्टल का अंदर का व्यू दिखाया, अच्छा लगा होगा, बिकॉज ऐसे तो देखने में बहुत बढ़िया है, बट रूम्स का ही थोड़ा मैंने आपको बताया। तो ये अभी हूँ मैं खालसान रोड पे,
अभी तो एकदम शांत है। रात को जब मैं आया था तो आप यकीन मानोगे गाइज, निकलने की जगह नहीं थी, इतना भरा हुआ था। जो लोग यहाँ पे कई बार आ चुके हैं उनको पता होगा खालसान रोड क्या है, तो पूरा फुल था। अभी मैं जा रहा हूँ मैड मंकी, तो यहाँ से वॉकिंग ही है, 500 मीटर होगा, 1 किलोमीटर होगा, ज़्यादा ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं है। तो चलते हैं वहाँ की तरफ। अभी आपको ये खालसान रोड दिन में दिखाता हूँ, बिकॉज दिन में बहुत कम लोग दिखाते हैं, ज़्यादातर लोग रात में ही दिखाते हैं खालसान रोड, खालसान रोड। अभी दिन में देखो एकदम शांत है, क्योंकि वही है 3-4 बजे तक पार्टी चलती है, फिर उसके बाद अब सब अपने अपने घर जाके सो जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सुनसान पड़ा है। आई विल शो यू व्हाट बुड्ढा 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 नो, आई एम गोइंग होस्टल फर्स्ट, आई एम गोइंग होस्टल होस्टल आफ्टर आई कम बैक आई टेक यू होटल। नो नो, व्हाट्स द प्राइस इवन? आगे हो, चलो गिव मी वन सेकेंड, माई फ्रेंड्स गोइंग सो कैच यू लेटर। तो ये मेरा फ्रेंड है, ये जा रहा दूसरे हॉस्टल में, यहीं पे मिले थे मेरे को। तो अभी निकल रहे हो? हाँ निकल रहा हूँ मैं। तो इधर से कितना दिखा रहा है चार्जेस? 40 baht। हाँ ओके, मेरा तो इस साइड से था ना बाहर मैडम। हाँ यहीं से राइट हो करके, राइट और लेफ्ट, तो मैं इधर से निकलेगा। ठीक, तो ये मेरे फ्रेंड है नवीन, ये इज़ फ्रॉम तमिलनाडु। तो ये मेरे को एयरपोर्ट पे मिले थे, तो अच्छे बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। अभी ये जा रहे हैं, इनका हॉस्टल का ऑलरेडी बुकिंग है, तो मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल में। तो ठीक है नवीन भाई, आप लेट ना हो, ठीक है निकलते हैं शाम को। होम डिलीवरी भी, ओह फूड डिलीवरी भी है साथ में, है ना, 2-in-1 काम करते हैं। अच्छा पहले आप बैठो, मेरे को लगा आप ही से चलवाएगा बोले का पे भी करो और चला के भी जाओ। ओके ओके, श्योर श्योर श्योर, कर लो आप अपना फिनिश, है ना। चलो टेक केयर बाय। अरे नहीं भाई, मैं अभी आएगा आएगा, अभी मेरे को जाना है किधर, आएगा, आई कम लेटर लेटर लेटर। तो ये है डे का व्यू खालसान का। अभी आपको ये जो पिलर नज़र आ रहे हैं, इसके बाहर तक ये भरा होता है नाइट में, मीन्स इतना क्राउड होता है। वो मैं आपको रात को भी एक बार दिखाऊंगा, तो आप कंपेयर कर सकते हो डे एंड नाइट का कंपैरिजन। पूरे बार्स ही बार्स में इस रोड में, बट आई थिंक डे में ज़्यादा बेटर लग रहा है। ये देखो यहाँ पे हेयर स्टाइल चल रहा है। ये है टुक टुक यहाँ का, इसमें भी चलेंगे अभी थोड़ी देर में। थैंक यू। नो थैंक्स। खालसान रोड पे दो मैकडोनल्ड्स हैं, मेरे को दो ही दिखे, मे भी ज़्यादा ना हो। अगर आप मैकडी लवर हैं तो आपको मैकडोनल्ड्स का ऑप्शन यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। अभी एक बार चेक इन करते हैं मैड मंकी में, फिर उसके बाद निकलते हैं सिटी टूर पे, देखते हैं क्या है और देखते हैं। राइट, that must be specialist for the
ये अभी जाते हुए मेरे को दूर से टेंपल दिखा, तो मैंने सोचा देखते चलते हैं। वाओ इट्स ब्यूटीफुल मैन। मास्क तो यहाँ पे मास्क कंपलसरी है, है मेरे बैग में, याद आ गया। आई हैव वन सेकेंड। तो अभी खालसान रोड से जाते हुए मेरे को ये बुद्धा टेंपल देखा, मैंने सोचा चल के देखते हैं अंदर से कैसे। बहुत ही बढ़िया बना हुआ है अंदर से, मतलब गोल्डन उनकी मूर्ति बनी हुई है अंदर से, बहुत ब्यूटीफुल है, अच्छी जगह है। बट यहाँ मास्क का यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया था, बट अच्छा हुआ मेरे बैग में था एक मास्क, बस मेरे को लगा था ख़त्म हो गया, तो चलो भाई यहाँ से जाना पड़ेगा, तो बैग से निकल आया। मेक श्योर आ रहे हैं तो मास्क साथ लेके आइए, मास्क तो वैसे साथ ही रखिए, कहीं पर भी आ रहे हैं आप मास्क अपने साथ ही रखिए, राइट। सो फ्रेंड्स अभी रूम रेडी होने में टाइम था, मतलब चेक इन टाइम भी 2 बजे का ही है, तो इन्होंने बोला कि जैसे वियतनाम में हुआ था कि आप चेक इन करने से बेटर है अभी टाइम है तो आप सिटी टूर पे हो आप, तो अभी जा रहे सिटी टूर पे। कम से कम आई थिंक 20 से 25 बंदों का ग्रुप है यहाँ पे जितने भी स्टे कर रहे हैं। तो ये जो सिटी टूर होता है फ्री होता है, इसमें बस आपको जो बता रहे हैं सब कुछ उसको आप टिप के तौर पे कुछ दे सकते हो। बाकी वियतनाम में तो ये था कि वो सिटी टूर के नाम पे अपने साथ के साथ ऐड भी करते रहते हैं, और जो उनके म्यूज़ियम है ऐसे तो कोई देखने जाता नहीं है, तो सिटी टूर के नाम पे वो भी दिखाते रहते हैं, उनकी टिकट्स रहती है, तो ऑब्वियस है उनके टूरिज़म को बेनिफिट होगा। ऐसे तो लोग जाते नहीं हैं, तो फ्री टूर के नाम पर एटलीस्ट लोग वहाँ पर विज़िट कर लेते हैं। तो वियतनाम का एक्सपीरियंस अच्छा था,
वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी थी, तो अभी यहाँ पे देखते हैं क्या डिफरेंट है।